आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर, जिन्होंने कभी बीजेपी के पन्ना प्रमुख के पन्ने फाड़ने की बात की थी, उन्होंने गुटबाजी को लेकर कांग्रेस की अनुशासनहीनता बताई। अनुशासनहीनता गुटबाजी ये तो है ही, तो आपने गाना सुनाई है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं आगे का तो उनको आता नहीं, तो देखने में ही लगे हुए हैं दूसरे। बात तो सही कहो तंवर साहब, पर इस बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन में अपनी जमानत बचा ले, इस बात पे ध्यान जरूर दियो। वही जो आपके नेता है वो बैक टू बैक कांग्रेस बीजेपी सबको लपेटे में ले रहे हैं, अनुराग ढांडा, उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है नूरा कुश्ती है। संगठन का नाम लेने भर से उनके बीच में जूते चप्पल चलने शुरू हो गए, एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो इनके बीच में कांग्रेस के नेताओं के बीच में नूरा कुश्ती और लड़ाई चल रही है, ये आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। अच्छा नूरा कुश्ती, कई बात तो सही कहे, गुत्थम गुत्था हो ही रहे है, हैं? गलत थोड़ी कही है, अगर भाई ये तो चल दे रहे है कांग्रेस में नूरा कुश्ती। और हर बार की तरह इस बार भी बैक एंट्री मारी इन लोगों नेता अभय चौटाला ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कभी भी लोग एक नहीं हो सकते, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए लोग इन्हें पसंद नहीं करते, और जो कांग्रेस ने पीछे कार्यक्रम चलाया था हाथ से हाथ जोड़ो, वो ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम नहीं था, वो हाथ से हाथ तोड़ो कार्यक्रम था। पहले हुड्डा से ये पूछो कि तैने बहुत जोर लगा कि ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब ये बात कहनी बंद क्यों कर दी? अबे चौटाला साहब ने भी घाट ना गाली है कहने में, पर बाकी दुखी तो ये भी हो रहे हैं, हैं? कदे उस बढ़ जा है, कदे उस बढ़ जा है, कदे किसी के लिए मिल मिलाप करने की सोचे हैं, कदे अपने साथ दे नहीं रहे, एक दूसरे के सारे जाना चाहे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं दोस्ती की। भाई नवीन, तू मन लगा बात कर रहा है इनेलो की। बिल्कुल विकास भाई, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की इनेलो पार्टी की, जो बिना दोस्ती के अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश कर रही है। वर्चस्व की लड़ाई भाई नवीन, वर्चस्व की लड़ाई। इनेलो वाले अपने बिल्लू भाई साहब इंडिया गठबंधन का पार्टनर बनाने खातर जी तोड़ मेहनत करने लग रहे हैं। बिल्कुल विकास भाई, आने वाले 25 सितंबर को चौधरी देवलाल जी की जयंती है, और उसके लिए इनेलो के जो नेता है ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो इसमें शामिल होकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं और इनेलो पार्टी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करें, जिसकी शुरुआत ओम प्रकाश चौटाला एक साल पहले ही कर चुके हैं। हमारे महागठबंधन के नेता 25 तारीख को आएंगे, इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले साल 25 सितंबर को फतेहाबाद में करी थी, और आखिर में जाके रैली करनी पड़ रही है। अगर भाई रैली तो करनी थी देवीलाल जी के जयंती के चक्कर में, लेकिन उन तो दिखाना भी तो था, अगजी मंच पा लियो और हम भी से हमने भी गठबंधन में घाल लियो। बिल्कुल विकास भाई, वैसे इनेलो के जो पुराने संबंध है बड़े नेताओं के साथ, वो बहुत पुराने और उनके खास भी, और आज से पहले वो एक साथ दिखाई भी दिए हैं। इसी सिलसिले में अभय चौटाला ने कहा कि जब कांग्रेस देश को खा रही थी तब उन्होंने प्रदेश में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, और जब फिलहाल वही काम बीजेपी कर रही है देश को खाने का, तो वो उन्हें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। देख ले भाई नवीन, राजनीति हो इसी चीज से है? मतलब काल तई जो फूटी आंख नहीं भावा थे, मतलब आंखें में रड़के थे, आज आज उनने खातर पलक बिछाने तैयार से। और सुनो विकास भाई, इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, ये बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर रहे हैं, क्या बाकी का और कोई कांग्रेस में मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है? और जब इनेलो अगर गठबंधन में शामिल हो रहा है, इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहा है, तो उनको क्या दिक्कत हो रही है, वो क्यों अड़ंगा बन रहे हैं? मतलब कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, पर कांग्रेस वाले हुड्डा साहब से परेश है, कमाल है या तो बात भाई। अरे आप नहीं, इनेलो के जो नेता है अभय चौटाला, उनके बड़े भाई अजय चौटाला। अच्छा 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 अच्छा, न्यू कह ना यार। के कही अजय चौटाला ने ये कहा कि जो इनेलो है और जो उसके जो प्रमुख हैं ओम प्रकाश चौटाला, ये पिछले इतने सालों से कांग्रेस की बुराई करते आ रहे हैं, उनका विरोध करता आ रहे हैं, और आज वो 75 पार वालों की जाके गोदी में बैठ गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने सारी उम्र कांग्रेस का विरोध करने का काम किया, आज वो चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस की रैली के लिए कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भी उस रैली में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। अजय चौटाला साहब, वो दिन भी याद कर लियो जब इलेक्शन था पहला पे बीजेपी ना जम का कोसो थे, और फिर सरकार बनाने का टाइम आया, तब आई बात होगी
मिले सुर मेरा अर्थारा ते सुर बने मारा।